प्रिय शिक्षकों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सभी शिक्षकों को शिक्षक कार्य योजना का निर्माण करना है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस प्रकार कक्षा 2 के लिए शिक्षक कार्य योजना का निर्माण किया है। सर्वप्रथम मैंने निपुण भारत मिशन का लोगो और इसका फुल फॉर्म, जो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है, वो लिखा है। दूसरे पेज पर मैंने निपुण भारत योजना का उद्देश्य लिखा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ग्रेड 3 तक के सभी बच्चों को कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में वर्ष 2026-27 तक निपुण बनाना है। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई। इसके अंतर्गत मूलभूत भाषा एवं साक्षरता, मौखिक पठन प्रवाह, ध्वनियात्मक जागरूकता, लेखन शब्दावली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मौखिक भाषा का विकास करना, प्रिंट के बारे में अवधारणा, डिकोडिंग, कल्चर ऑफ रीडिंग। वहीं दूसरी तरफ मूलभूत संख्यात्मक और गणित कौशल में है गणितीय तकनीकें, पूर्व संख्या अवधारणाएं, आकार तथा स्थानिक समाज मापन, नंबर एंड ऑपरेशन और नंबर पैटर्न्स। इसके पश्चात मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य योजना, विद्यालय का नाम, सत्र, कक्षा अध्यापिका का नाम, कक्षा, फिर इसके नीचे हम लिखेंगे कुल नामांकन, बालक बालिका और योग। आपकी कक्षा में जितने बालक हैं वो आप यहाँ लिखेंगे उनकी संख्या, और बालिका हैं उनकी संख्या आप इधर लिखेंगे, और जो योग है वो इस कॉलम में आप लिखेंगे। इसके बाद शिक्षण अधिगम हेतु उपयोगी सामग्री को मैंने यहाँ पर लिखा है, किसलय पाठ्यपुस्तक, किसलय कार्यपुस्तिका, बिग बुक, सहज 2, पुस्तकालय, स्पीकर, मोबाइल फोन, प्रिंट रिच मटेरियल, चार्ट, कहानी, कविता एवं पोस्टर, गणित अधिगम किट, बाला पेंटिंग, खेल सामग्री, फ्लैश कार्ड और अन्य जो भी TLMs आपको उपयोगी लगे वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके पश्चात निपुण लक्ष्य भाषा और गणित के कक्षा 2 के लिए, कक्षा 2 के लिए जो निपुण लक्ष्य हैं वो क्या हैं। अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गणित के जो निपुण लक्ष्य हैं वो हैं जोड़ 99 तक, मतलब 2 अंकीय संख्याओं तक, तथा घटाव 99 तक, 2 अंकीय शब्दों तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक तालिका के रूप में ये बना लेते हैं कि हमारी कक्षा में जितने बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद लक्ष्य के निकट जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके नाम यहाँ, और निपुण लक्ष्य प्राप्त ना करने वाले बच्चों के नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद छात्र छात्रा का विवरण, आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका विवरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। निपुण भारत सूची गणित कक्षा 2 के लिए, निपुण भारत सूची भाषा कक्षा 2 के लिए, इसको मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी।